हेलो माय लवली वीवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज वेडनेसडे है, आई थिंक वेडनेसडे है। तो आज का वीडियो मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। तो सुबह का मैंने बना लिया है, ब्रेकफास्ट बना लिया और कुछ अच्छे, मतलब मन कर रहा था, ब्रेड था मेरे पास तो मैंने सोचा ना उसका मैं ब्रेड पकौड़ा बना देती हूँ। सॉरी, ब्रेड पकौड़ा नहीं, कटलेट। देखो मैं भूल जाती हूँ यार, मैं बड़ी भुलक्कड़ हूँ, भूल जाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया हुआ है। तो वही मैंने बनाया, तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यार मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करती हूँ कुछ ना कुछ होने लगता है आगे पीछे। बड़ी गर्मी हो रही है तो जल्दी जल्दी इंट्रो रिकॉर्ड करके मैं चलती हूँ बाहर, क्योंकि पता ही है कि जब मोबाइल उठाओ और वीडियो शूट करो तो फैन वैन वगैरह सब कुछ बंद करना पड़ता है, और क्योंकि इसमें आवाज़ आने लगती है ना, तो बड़ी गर्मी हो रही है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी बातचीत करके चलते हैं बाहर, फैन ऑन करके बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं। अभी मेरे बाल भी बिल्कुल गीले हैं, मतलब मैं अभी धुल के आ रही हूँ इसके। तो बस मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और बस आप ब्लॉग के साथ बने रहिए। और अगर आप लोग को मेरी ब्लॉग, मेरी बकबक या मेरी डिशेस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं और बाहर चलते हैं, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया है ब्रेड, और ये है उबले हुए दो आलू। सिर्फ थोड़ा सा ही मैं बना रही थी तो इसलिए सिर्फ दो ही लिया है। तो यहाँ ब्रेड के किनारों को हम काट लेंगे और उसे अलग नहीं रखेंगे, उसको हम आलू में ही मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो ब्रेड के जो किनारे हैं वो वेस्ट भी नहीं होंगे और हमारी फिलिंग भी बहुत अच्छी और कुरकुरे बनेगी। तो इसको ब्रेड के हम किनारे पार्ट को जो ब्लैक सॉरी ब्राउन रहता है वो हम कट कर लेंगे, निकाल लेंगे और इन सबको हम अपने फिलिंग में डाल देंगे। तो फिलिंग के लिए मैंने यहाँ एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा, स्वाद के अनुसार आप डाल दीजिए नमक, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालें, अच्छा आएगा फ्लेवर उसका। और इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया, और मिर्ची यहाँ मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि मैं बच्चों के लिए ही बना रही थी, बस उनको थोड़ी सी भूख लगती है ना, तो इसलिए तो मैंने यहाँ मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डाली है। आप चाहें तो चिली पाउडर या हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं, या चिली फ्लेक्स होता है वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ नमक और अजवाइन डाला था क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल भी तीखा नहीं खा पाते हैं तो वो नहीं खाएंगे। और ब्रेड की स्लाइसेस ले लेंगे, उसको हम पानी में थोड़ा सा डिप करेंगे और तुरंत निकाल लेंगे, और जितना भी पानी उसका होगा ना हम सबको स्क्वीज़ करके निकाल लेंगे, मतलब पानी को हम बिल्कुल अच्छे से निचोड़ के निकाल लेंगे और अपने फिलिंग को बीच में भरेंगे और उसे दोनों हाथों से अच्छे से ऐसे रोल कर देंगे, दबा देंगे। और ये बहुत ही आसान प्रोसेस होता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आप तुरंत बना लेंगे। वैसे तो सबको ही बनाना आता होगा, आई नो सब लोग ये बनाते हैं, सब लोग बनाते होंगे। तो बस ऐसे ही मैंने सभी को बना लिया, और 5 मिनट सिर्फ इसको मैं रख दूंगी रेस्ट के लिए, इसलिए क्योंकि जो हम इसमें पानी में डिप करते हैं ना तो ब्रेड क्या होगा ना, बहुत पानी अब्जॉर्ब कर लेगा, बिल्कुल अपने अंदर सोख लेगा, तो फ्राई करते टाइम ये बहुत तड़केगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसे बना के 5 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखा था, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। तो ऐसे ही एक 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 करके बना लिया, और दो तीन का मैंने ना ब्लैक वाले एजेस निकाल दिए थे और कुछ का मैंने नहीं निकाला था क्योंकि जब मैंने एक एक ट्राई किया कि देखे ऐसे बन जाता है या नहीं, तो आसानी से बन गया तो मैंने नहीं निकाला था, तो सबका ही ऐसे बना दिया। और अब ऑयल को अच्छे से हीट कर लेंगे और अब इसे हम फ्राई कर देते हैं। फ्राई करते टाइम आप बहुत ही सावधानी से इसे डालें क्योंकि हमने इसमें पानी लगाया हुआ है ना, तो बहुत ये तड़केगा, तो आराम से डालिए बिल्कुल धीरे धीरे, और डालते ही तुरंत हमें इसे पलटना नहीं है, कुछ देर के बाद हमें इसे पलटेंगे तो ये आसानी से पलट जाएगा बहुत ही आराम से। और बस सभी तरफ से अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे, सभी चीज सब तरफ से पलट के चारों तरफ से, और ये बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा,
फ्राई होने में, क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, ब्राउन हो जाता है ना, और अंदर का आलू जो हमने लिया है वो ऑलरेडी उबला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारा फ्राई होके आ गया है, तो अब मैं दूसरा बैच भी ऐसे ही फ्राई कर लूँगी और हम लोग इसे इंजॉय कर रहे हैं। मैंने इसे ब्रेकफास्ट में बनाया हुआ था, तो सुबह या आप शाम को आपका जब भी मन करे आप बना सकते हैं और खाइए, इंजॉय करिए, अपनी फैमिली को टेस्ट कराइए। और बुग्गू हैं बार बार हाथ लगा रहे हैं। और ये हम लोग आ गए, हमारे यहाँ ना एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे कि नहीं जाना है जाना है। शिवी ने तो यहाँ तक बोला कि मम्मा पूरी वेकेशन ख़त्म हो गई, मैं तो कहीं घूमने ही नहीं गई। तो हम लोगों ने सोचा चलो अभी इन्हें घुमा लाते हैं, नहीं तो ये बोलेंगी कि मुझे घुमाया ही नहीं किसी ने। तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, तो बच्चे जहाँ जाएंगे बड़े को तो जाना ही पड़ेगा। तो ये देखिए थोड़ा सा ये लोग फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं, मैं उन लोग का फ़ोटो क्लिक कर रही थी। और वो टाइगर वाइगर देख के बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसको वही सब बहुत पसंद है, टीवी में दिन भर एनिमल्स ही देखता रहता है, तो देख के थोड़ा खुश हो गया था। तो अब अंदर चलते हैं, अब ये लोग झूला वूला झूलेंगे, ये वो मतलब सब करेंगे, मैं भी बैठी ही हूँ झूले पे ही। ये देखिए कितनी खुश है, बहुत खुश थी। और बुग्गू को हम लोगों ने नहीं लाया, क्योंकि वो छोटा बच्चा है ना, रोने लगेगा। सब लोग आए हुए थे घूमने के लिए, तो बस ऐसे ही धीरे धीरे घूम। फिर बच्चों ने बोला मुझे कैमल पे घूमना है, कैमल पे घूमना, तो वो लोग कैमल में भी घूम के आ गए। और बस अब चलेंगे हम लोग घर, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। और मुझे तो लगा था बुगुर हर चीज़ से डरेगा, लेकिन उसको यार बड़ा मज़ा आ रहा था, किसी चीज़ से वो डरा ही नहीं। सो एवरीवन, हो गया मेरे दिन का एंड, ख़त्म हो गया, सब पिकनिक घूम घाम के हम लोग आ गए। और अब बहुत रात हो गई है, तो अब सो जाते हैं।
और हम लोगों ने उधर ही कुछ खाना वाना खा लिया था, तो मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ मैं चाय तो पक्का पीऊँगी। तो मैं चाय बना लेती हूँ और अपना फिर ये मेकअप जो भी किया हुआ है उसे रिमूव करके फिर बस वही सो जाएंगे। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसकी मतलब खुशी पूछिए मत, वो एक एरोप्लेन चुप एक एरोप्लेन लगे आया है, अब उसमें ही वो बिजी है, तो दिखाते हो कौन सा एरोप्लेन लगे आया है। सो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 गाइज़।